कम टू फिजिकूशन पॉइंट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन न्यू चैप्टर ऑफ थर्मल फिजिक्स नाउ स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस बच्चों इसमें सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस देने के लिए कौन सा यहाँ पास्टुलेट लिया गया यानी कि यहाँ पे हम ये आपको बताएंगे कौन सा यहाँ पर मान्यता ली गई कौन सा स्टैंडर्ड लिया गया जिसकी बेसिस पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को दिया गया पहली बात काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम देने जा रहे हैं सपोज करिए ये कोई कंटेनर है ये कोई पिस्टन है बच्चों लगा है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसियस मालिक्यूल इस तरह से भरे हुए हैं अब हमें काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का पता करने के लिए इसके बारे में इसके बारे में बच्चों पता लगाने के लिए इसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये पता लगाना ज़रूरी होगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम आखिर में इसी गैस के बारे में अध्ययन करेंगे और अगर गैस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों तो सोचना ये है कि ये गैस जो इसके अंदर भरे होते हैं वो कैसे होते हैं वो कैसे चलते हैं उनके अंदर किस प्रकार का मोशन होता है उनका सेप कैसा होता है उनका साइज़ कैसा होता है वो कहाँ कहाँ से टकराते हैं और कहाँ कहाँ से प्रेशर वगैरह बनते हैं मतलब उनके गैसियस मालिक्यूल से रिलेटेड तमाम सारी चीज़ों को सबसे पहले हमें जान लेना है तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बिल्कुल आइडियल रूप से रखा गया है एवरीथिंग थिंग पूरा सब कुछ आइडियल रूप से यहाँ पर माना गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस जिस तरह से नाम भी दिया गया है कि अगर हम एक आइडियल गैस माने तो उसमें क्या क्या थ्योरी होंगे उसके लिए क्या क्या सच्चाइयां होंगी ये बातें हम लोगों को समझनी है तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि गैसियस मालिक्यूल जो होते हैं गैसियस मालिक्यूल जो होते हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज में गैसियस मालिक्यूल को परफेक्टली स्फेरिकल माना गया है जैसे एक बॉल के बारे में हम एज्यूम करते हैं बॉल बड़ा होता है उसी को बहुत छोटा करके एज्यूम करिए उसी को एक मालिक्यूल का नाम दिया गया है यहाँ पर काइनेटिक थेरी ऑफ गैसेज में बच्चों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हर एक मालिक्यूल को परफेक्टली स्फेरिकल माना गया इनके साथ गई आइडियल गैस और ये जो परफेक्टली स्फेरिकल माना गया फिर इसके बारे में माना गया है कि ये सॉलिड है रिजिड है और परफेक्टली स्फेरिकल है चलो तीन बातें हो गई सॉलिड अपने दिमाग में नोट करिएगा सॉलिड है रिजिड है और परफेक्टली स्फेरिकल है ठीक है बच्चों यहाँ पर दूसरी बात ये मानी गई कि मान लो एक कोई पर्टिकुलर गैस है जैसे मैं मान लेता हूँ ये मैं ऑक्सीजन गैस की बात यहाँ पर कर रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन गैस तो उसके जितने भी मालिक्यूल होंगे जितने भी मालिक्यूल होंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे शेप में साइज में मास में वॉल्यूम में एवरीथिंग हर तरह से आइडेंटिकल होंगे लेकिन हाँ अगर हम अलग अलग गैस सेज की बात करें तो अलग अलग गैसेज में कंपेयर करेंगे तो मालिक्यूल की साइज अलग अलग होगी सेप अलग अलग होगा सेप अलग अलग होने का मतलब नहीं सेप तो स्फेरिकल ही होगा बस अर्थे साइज अलग अलग होगी मास अलग अलग होगा और डेंसिटी अलग अलग हो सकती है ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है दो बातें किसी आइडियल गैस का जो मालिक्यूल होगा परफेक्टली स्फेरिकल होगा दूसरी बात बच्चों रिजिड होगा तीसरी बात यहाँ पर ये सॉलिड होगा रिजिड होगा और स्फेरिकल होगा ठीक है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर गैस का के जितने भी मालिक्यूल होंगे सब एक ही वॉल्यूम के होंगे एक ही डेंसिटी के होंगे एक ही यहाँ पर डेंसिटी के होने के साथ साथ एक ही मास के होंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट गैसेज में अगर तुलना करेंगे तो ये बात अलग अलग हो जाएगी ठीक है अच्छा एक बात और बच्चों यहाँ के अंदर क्या होता है कि गैस के जो भी मालिक्यूल होते हैं गैस के अंदर जितने भी मालिक्यूल होते हैं वो अंदर ही अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं रैंडम मोशन कोई इधर आ रहा है कोई इधर आ रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है रैंडम मोशन ऐसा नहीं कि एक जगह रुक के वो रहते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन बिना किसी नियम के जिग जैग यानी कि रैंडम मोशन करते रहते हैं ठीक है बच्चों यहाँ अगर ये रैंडम मोशन करते हैं तो दो बातें होती हैं इनका आपस में भी टकराव होता है और ये बर्तन के दीवार जो कंटेनर का वाल है उससे भी टकराव करते हैं और टकराव करके जब बाउंस बैक होते हैं बच्चों तो मोमेंटम में चेंज होता है और मोमेंटम में चेंज होने की वजह से इसके अंदर क्या डेवलप होता है फोर्स और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं प्रेशर यानी कि इसके अंदर क्या होगा प्रेशर डेवलप होगा मैंने आपको ये बताया कि आइडियल गैस के मालिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं और रैंडम मोशन करते समय आपस में भी और बर्तन के दीवार कंटेनर के वाल से भी टकराते रहते हैं जिसके फलस्वरूप मोमेंटम में चेंज होता है मोमेंटम में चेंज होने की वजह से प्रेशर में चेंज होता है आ, प्रेशर डेवलप होता है और प्रेशर डेवलप होने की वजह से यहाँ पर कहते हैं गैस के अंदर प्रेशर आ गया है फोर्स आता है और उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है ठीक है अच्छा यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ कि जब यहाँ पर एक यह टकराव होता गैस के मालिक्यूल दो मालिक्यूल आपस में टकराए या गैस का कोई एक मालिक्यूल जाके कंटेनर के वाल से टकराया तो ये टकराव जो होता है ये परफेक्टली इसफे परफेक्टली जो है इलास्टिक कोलिजन होता है इस कोलिजन को बच्चों हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ठीक है अच्छा यहाँ पर और बातें जो हम लोगों को समझनी है इससे रिलेटेड बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये कोलिजन तो परफेक्टली इलास्टिक हुआ चलो अच्छी बात है अगर हम आइडियल गैस मालिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर इंटर मालिक्यूलर की वैल्यू क्या होगी जीरो तो ध्यान रखिएगा अगर आइडियल गैस मालिक्यूल की बात की जाए तो आइडियल गैस के मालिक्यूल्स के बीच जो इंटरनल फोर्स लगता है उसकी वैल्यू बच्चों ज़ीरो के बराबर होती है और क्योंकि इंटरनल फोर्स जीरो के बराबर होता है इसलिए पोटेंशियल इनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होती है फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर आप जानते हो और अगर हम यहाँ फोर्स को जीरो करेंगे बच्चों तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी निकालने पर क्या आ जाएगा जीरो इसका मतलब आइडियल गैस के केस में उसके पास काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल रहेगा बट पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो क्या होगा ज़ीरो यानी कि इन दोनों को मिलाकर किसी गैस का इंटरनल एनर्जी बोला जाता है बच्चों मैं आपको बता दू इन दोनों एनर्जीज को लाकर किसी गैस के इंटरनल एनर्जी का नाम दिया जाता है इसका मतलब अगर हम आइडियल गैस की बात करेंगे, तो आइडियल गैस में तो में तो इंटरनल एनर्जी एनर्जी पोटेंशियल होगा ही नहीं। यानी कि आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी की अगर बारे में बच्चों तो केवल और केवल कौन सी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो की पोटेंशियल एनर्जी और इसी को इंटरनल एनर्जी भी इसका कहा जाएगा ठीक है अच्छा यहाँ के अंदर बच्चों और जो समझने वाली बात है वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों मान लीजिए किसी बर्तन में किसी कंटेनर में सपोज करिए किसी कंटेनर में कोई गैस भरा हुआ है इसके अंदर कोई गैस भरा हुआ है ठीक है कंटेनर क्लोज है और इसके अंदर कोई गैस भरा हुआ है अब यहां पे होता यह है कि जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो गैस के वॉल्यूम के रूप में हम पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लेते हैं जब भी आइडियल गैस का केस होता है हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल टू मानते हैं कंटेनर का वॉल्यूम बट सच्चाई तो ये है कि गैस को फैलने के लिए जो वॉल्यूम उपलब्ध है वो कंटेनर का वॉल्यूम माइनस गैस का वॉल्यूम होना चाहिए लेकिन ध्यान रहे क्योंकि कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेरिजन में गैस के मालिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होगा होगा इसलिए आइडियली उसको इग्नोर कर दिया जाता है और यहाँ कंटेनर के वॉल्यूम को लेकर चला जाता है बच्चों पी वीवल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो उसमें वी जो होता है वो वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज ऑक्यूपाइड ठीक है अच्छा यहाँ यही सारी बातें बच्चों मैंने यहाँ लाइन से आपको दिखाया है आप अगर इसको रीडिंग लगाओगे यही सारी बातें आपके सामने मिलेंगी देखिए अगर आप रीडिंग लगाना चाहिए आप लोग लगा लीजिएगा अब मैं अगले टॉपिक पे चल रहा हूँ यहाँ पर उसी के रेफरेंस में अगला टॉपिक हमारे पास है मीन फ्री पाथ मेन फ्री पाथ का क्या मीनिंग हुआ क्या यहाँ पर मतलब हुआ सब लोग समझें बच्चों एक मालिक्यूल यहाँ है एक मालिक्यूल यहाँ है एक मालिक्यूल यहाँ है और एक मालिक्यूल यहाँ है एक मालिक्यूल यहाँ है एक मालिक्यूल यहाँ, यहाँ है कोई मालिक्यूल बच्चों क्या होता है यहाँ से जाके यहाँ पर टकराया ये मालिक्यूल इससे टकराने के बाद सपोज करो इससे टकराया फिर इससे टकराया फिर ये आकर के इससे टकरा गया इससे टकराया इस तरह से तमाम सारे कोलिजन हो रहे हैं यहाँ क्रमागत दो कोलिजन के बीच में कितना पाथ तय किया गया कितना डिस्टेंस तय किया गया बच्चों इसको कहेंगे फ्री पाथ क्या ये सभी पाथ बराबर है नहीं कोई थोड़ा कम होगा कोई थोड़ा ज़्यादा होगा अगर इन सभी का औसत हम लें जो अभी मैंने बनाया था बच्चों मिट गया गलती से अगर कहीं हम औसत इन सब का इन सभी पाथ का अगर मैं औसत लेने जाऊं अगर इन सभी का बच्चों में एक आ, एवरेज लेने जाऊं तो उसी एवरेज को उसी को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ जिसकी वैल्यू बाई फार्मूला यहाँ के अंदर होती है बच्चों कुछ इस तरह से मीन फ्री पाथ को सिंबल वाइज लेम्बडा से दिखाया जाता है जिसकी वैल्यू होती है लेम्बा इक्वल टू वन अपान स्क्वायर रूट में टू उसके बाहर है पाई स्क्वायर जहां क्या है नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम और डी क्या है उसका डायमीटर कितना है जो यहां मैंने रखा हुआ है सवाल ये आता है कि मीन फ्री पाथ यहां मालिक्यूल के रेडियस या डायमीटर पर कैसे डिपेंड करेगा तो बच्चों ऑब्वियसली डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या रेडियस ऑफ मालिक्यूल के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और एक चीज और ध्यान रखिएगा जो होगा वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता मीन ज्यादा होगा प्रेशर जितना कम होगा कम प्रेशर लगाओगे तो दूर दूर मालिक्यूल बिखरे रहेंगे मीन मीन फ्री पाथ जो है उतना ही ज्यादा होगा ठीक है अब एक होता है आइडियल गैस जिसमें बच्चों सब कुछ ही आइडियल माना जाता है दूसरा होता है रियल गैस जो वास्तव में होता है तो यहाँ पर क्या दोनों में रिलेशन होता है क्या कौन सा कंडीशन होगा आइडियल गैस के लिए और कौन सा रियल गैस के लिए अगर बच्चों रियल गैस में कुछ चीज़ें ध्यान दी जाएं जैसे रियल गैस का रियल गैस का जो टेम्परेचर हो हाई रखा जाए प्रेशर कम रखा जाए डेंसिटी लो रखी जाए अपने आप वॉल्यूम हाई हो जाएगा तो यहाँ पर रियल गैस का जो बिहेवियर होगा वो आइडियल गैस के ज़्यादा करीब होगा ज़्यादा क्लोज होगा बच्चों ध्यान रखिएगा ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ध्यान से देख लीजिए हाई टेम्परेचर लो प्रेशर लो डेंसिटी हाई वॉल्यूम अगर आप हाई टेम्परेचर पी वी इक्वल टू एन आर टी से इसको देख सकते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी अगर करेंगे आप तो आपके पास बच्चों यहाँ वी इक्वल टू मिल जाएगा वी इक्वल टू मिल जाएगा एन आर टी डिवाइडेड बाई पी यहाँ पर टेम्परेचर हाई रखेंगे और प्रेशर लो रखेंगे तो वॉल्यूम अपने आप हाई हो जाएगा ठीक है तो यहाँ ये सारी चीज़ें याद रखना आपको एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लो डेंसिटी हाई वॉल्यूम बिहेवियर ऑफ रियल गैस इज मोर क्लोज टू दैट ऑफ द आइडियल गैस ठीक है बच्चों

यानी गैस से जुड़े हुए कुछ लॉज हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है जो हमारे सिलेबस का कंटेंट है उन पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो देखिए गैसेस गैसियस लॉज में बच्चों सबसे पहला लॉज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे वो है बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों ध्यान दीजिएगा बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर ना बदला जाए अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो उसके प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा का यही कहना है कि अगर किसी गैस का किसी गैस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा जाए आइसोथर्मल प्रोसेस की एक तरह से बात होती है और साथ ही साथ ये भी बात बताना बहुत जरूरी है कि उसका मोल नंबर ऑफ मोल डेफिनेट रखा जाए यानी उसका अमाउंट निश्चित रखा जाए तो ऐसी अवस्था में उसका जो उसकी वॉल्यूम होगा वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक बार फिर से सुनिए अगर किसी गैस का अगर किसी गैस के निश्चित अमाउंट का या निश्चित मोल का कांस्टेंट अमाउंट या कांस्टेंट मोल के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखें बच्चों तो यहाँ के अंदर क्या होता है और साथ ही साथ टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखें तो पी वी इक्वल टू एन आर टी में बाकी चीज़ों को कांस्टेंट अगर निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा वी इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई पी पी वी इक्वल टू एनआरटी एनआरटी में सब कुछ कांस्टेंट हो गया पी वी कांस्टेंट पी वी कांस्टेंट यानी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन पी यानी वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी यही बॉयल्स सलाह है बच्चों ध्यान रखिएगा जब भी कभी आपसे कोई बॉयल्स सलाह पूछे तो ये बात जरूर मेंशन करिएगा आ, ये ला तभी एप्लीकेबल होगा जब अमाउंट कांस्टेंट रहे कुछ लोग इसको भूल जाते हैं तो ये पूरी तरह से गलत हो जाता है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ अमाउंट शुड बी कांस्टेंट ठीक है बच्चों अच्छा यहाँ पे <coughs> फिर इसी के संबंधी देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो पी इंटू वी कांस्टेंट होगा दो अलग अलग थर्मो स्टेट में अगर हम जाएं, दो अलग अलग थर्मो स्टेट में अगर हम लोग जाते हैं बच्चों तो वहां पर मान लीजिए दो अलग थर्मोडाइनेमिक स्टेट में जाएं, बट आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू जाएं तो एन इंटू आर इंटू टी ये तो कांस्टेंट रहेगा यानी पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो पहले स्टेट में पी वन वी वन अगले स्टेट में पी टू वी टू दोनों को इक्वलाइज किया जा सकता है और ऐसा कोई अगर प्रश्न आता है क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है अच्छा P1 और P2 क्या है P1 पहले स्टेट में प्रेशर है और P2 दूसरे स्टेट दूसरे कंडीशन में प्रेशर है V1 और V2 क्या है V1 पहले थर्मोडाइनेमिक स्टेट या कंडीशन में वॉल्यूम है और V2 दूसरे थर्मोडाइनेमिक स्टेट या कंडीशन में वॉल्यूम है ठीक है बच्चों अच्छा एक बात और यहां पर ध्यान देने योग्य है देखिए वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी मास गैस मास किसका गैस का डेंसिटी किसकी गैस की डेंसिटी तो बच्चों यम बाई इस्माल यम बाई रो मैंने लिख दिया ऐसे अब इसको मैं यहाँ देखिए रखूंगा पी इक्वल टू कांस्टेंट है वी के जगह पर मैं रख दूंगा यम अपान रो यहाँ से यम अपान रो आ गया इक्वल टू कांस्टेंट इस प्रकार से बच्चों मेरे पास क्या बच्चा? पी बाई रो, का नया कोई बन जाएगा इसका मतलब पी अपान रो, हो जाएगा. इसका मतलब पी अपान रो, अगर है तो हम दो अलग अलग थर्मोडाइनेमिक स्टेट में कंपेयर कर सकते हैं इसको p1/r1 अपान p2/r2 ठीक है वही बात है p1 और p2 क्या हैं दो अलग-अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट्स में प्रेशर हैं r1 और r2 क्या हैं दो अलग-अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट्स में डेंसिटी हैं ठीक है थीके? अच्छा बॉयल्स ला यहां पर पूरी तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस को व्यक्त करता है बच्चों जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते समय भी आपको बताया था चलिए अगला हमारा लॉ है इसी के सिमिलर चार्ल्स लॉ ये चार्ल जी क्या कहते हैं आइए देखते हैं बच्चों चार्ल्स ला का कहना यह है कि अगर कोई आइडियल गैस है आइडियल गैस के डेफिनेट अमाउंट को लिया जाए आइडियल गैस के डेफिनेट अमाउंट यानी डेफिनेट मोल को लिया जाए और उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए और उसमें कंप्रेशन या एक्सपेंशन कराया जाए तो क्या होगा बाकी चीजें चेंज होनी चाहिए तो बच्चों यहां पर इसका कहना यह है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल यानी कांस्टेंट अमाउंट उसको कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर बच्चों पीवी इक्वल टू एनआरटी से इसको प्रूव भी कर सकते हैं PV=nRT में अगर हम यहां पर V= equal to देखें तो nR/P*T होगा और यहां के अंदर P और n को अगर कांस्टेंट रखें R तो जन्मजात कांस्टेंट ही है तो V will be inversely proportional to capital T यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यही चार्ल्स जी का ला है बच्चों यहां के अंदर इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया यानी कि पी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इन टू वी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट तो इसके लिहाज से दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट की दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट की हम कंपेरिजन कर सकते हैं बच्चों यहाँ दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट्स की हम तुलना कर सकते हैं इसमें क्या है वी वन अपान टी वन इक्वल टू वी टू अपान टी टू हम दो अलग अलग थर्मोडाइनेमिक स्टेट्स की तुलना कर सकते हैं और इससे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ भी वही बात T1 T2 क्या है दो अलग अलग थर्मोडाइनेमिक स्टेट्स में सेम गैस के जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हैं केल्विन में टेम्परेचर हैं वी वन क्या है दो अलग अलग थर्मोडाइनेमिक स्टेट में यहाँ उसी गैस का जो है वॉल्यूम है अच्छा अब यहाँ पर बच्चों देखिए मान लेते हैं हम इक्वल टू लिखते हैं मास अपानी एम बाई डी पूरे गैस का मास डेंसिटी यहाँ के अंदर बच्चों मास डेंसिटी उसी को रिअरेंज कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाला देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये यह देखेगा ये लिखा हुआ है वी बाई टीवल टू कॉन्स्टेंट अब वी के जगह पर मैं लिखता हूँ मास अपान डेंसिटी बाई टी टी पहले से है यहाँ पहले से है यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट इस प्रकार से हमें बन जाएगा यम बाई रो इन टू टी इक्वल टू कांस्टेंट और यहाँ के अंदर रो इन टू टी इक्वल टू यम बाई कांस्टेंट हो जाएगा इस तरह से बच्चों यहाँ के अंदर सिचुएशन आया इस तरह से यहाँ के अंदर कंडीशन आया चलो अब यहाँ के अंदर बच्चों t इन टू रो इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा टी वन रो वन इक्वल टू टी टू रो टू हो जाएगा इस तरह से सिचुएशन यहाँ के अंदर बनेगा ठीक है और दो अलग अलग थर्मो स्टेट में जैसे यूजुअली करते हैं हम कंपेरिजन कर सकते हैं फिर वही बात टी वन टी टू क्या है रो वन रो टू क्या है आपको पता है दो अलग थर्मो अलग अलग थर्मोडाइनेमिक स्टेट्स में इनके वैल्यूज हैं ठीक है अच्छा इसको कहते हैं मोडिफाइड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ ठीक बच्चों और चार्ल्स लॉ क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे सब कुछ बता रहा है इसलिए चार्ल्स लॉ को कहते हैं कि ये आइसोबेरिक प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा होता है आइसोबेरिक प्रोसेस को ठीक है चलिए देखते हैं आगे का टॉपिक बच्चों हमारा अगला टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन इज आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आइए देखते हैं पूरी दुनिया में फेमस एक बहुत खास इक्वेशन जिसके बारे में हर बच्चा लगभग लगभग पढ़ने वाला जानता है पी वी इक्वल टू एन आर टी एक्चुअली ये एनर्जी इक्वेट करने का प्रयास किया गया है इस इक्वेशन में पी वी पी वी पी यहाँ पर क्या है बच्चों फॉर प्रेशर गैस मैंने बताया प्रेशर क्यों डेवलप होता है जो भी प्रेशर डेवलप हुआ दैट इज पी और जो भी कंटेनर में गैस रखा उसका वॉल्यूम क्या है दैट इज वी जनरली इसको कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं कभी कभी गैस का वॉल्यूम भी लिखा हुआ मिल जाएगा तो यूजुअली वही बात कहा जाता है और यन यहाँ जो इस्लॉल यन है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है और बच्चों गैस के कितने मोल्स हैं उसकी बात की जाती है और कैपिटल टी यहाँ एब्सल्यूट टेम्परेचर या केल्विन में टेम्परेचर कहा जाता है और आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहाँ के अंदर बच्चों एक आर जो हमारा अच्छा जो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बच्चों इसकी वैल्यूज यूनिट के अनुसार कई सारे होते हैं जैसे यहाँ पर अगर हम जूल पर मूल पर केल्विन में इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये आता है एट पॉइंट थ्री वन जूल पर मूल पर केल्विन कैलोरी के हिसाब से देखें तो आता है टू कैलोरी पर मूल पर केल्विन और आर की वैल्यू अगर बच्चों लीटर एटमॉस्फेयर में मेजर किया जाए वॉल्यूम को लीटर में प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिया जाए तो आर की वैल्यू यहाँ के अंदर आती है पॉइंट जीरो एट टू लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन अच्छा तो ये तो वैल्यू की रही बात आप लोगों को ध्यान में रखना डायमेंशनल फार्मूला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का इतना होता है इसको आप लोग याद रख लीजिएगा एम एल टू टी पावर माइनस टू जो एनर्जी का होता है एक चीज और बढ़ा दीजिए थीटा की पावर माइनस वन ठीक है बच्चों अब यहाँ के अंदर देखिए हमारे पास बच्चों अगला जो कंडीशन है देखिये उसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम मैं मैनेज करूंगा पी वी इक्वल टू एन आर टी पीवी इक्वल टू एन एन नंबर ऑफ मोल है जो कि होगा टोटल नंबर ऑफ गैसे टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवगाड्रो नंबर और यहां पर बच्चों फिर इसी को मोडिफाई करके मैं लिखूंगा ऊपर वाले एन को वहीं छोड़ता हूं और नीचे वाले एन को बच्चों में यहां ले आता हूं आर बाई एन ए हो गया इन हो गया टी यहाँ के अंदर आ गया पी वी इक्वल टू एन के टी पी वी इक्वल टू एन के टी अब ये नया सवाल उठा के क्या आ गया बच्चों ये जो आर बाई एन ए था ना इसी के स्थान पर मैंने के लिख दिया है के एक नया कांस्टेंट बन गया जिसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं के का मतलब आर बाय एन ए होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टमैन कांस्टेंट कॉन्स्टेंट ठीक है इसी को बोला जाता है कांस्टेंट ठीक है बच्चों यहाँ के अंदर के की वैल्यू की जहां तक बात होती है तो आर बाई एन ए आर की वैल्यू एट पॉइंट थ्री वन होगा जूल पर मोल पर केल्विन में और एन ये, है जिसकी वैल्यू पूरी दुनिया जानती है यहाँ के अंदर आएगा सिक्स पॉइंट जीरो ट्वेंटी थ्री इस पूरे को सॉल्व करने के बाद के यानी बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट की वैल्यू बच्चों हमें मिलती है वन पॉइंट थ्री एट इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी थ्री जूल पर केल्विन ध्यान रखिएगा ये बोल्डमैन कांस्टेंट की वैल्यू है कई जगहों पे हमें यूज करना होता है ठीक है बच्चों और इस प्रकार से अगर मैं इस इक्वेशन के लिहाज से देखूं तो के को मैं लिखूंगा पी वी बाई एन टी इस हिसाब से मैं पी वी बाई एन टी यहाँ लिखूंगा और के यहाँ जूल पर केल्विन हो गया डायमेंशनल फार्मूला अगर देखूं बच्चों के का तो लगभग वही आएगा लगभग क्या वही आएगा जो यहाँ पर हमारा होता था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का ठीक है अच्छा अब इसी को मॉडिफाई करके एक और इक्वेशन बनाया गया पीवी इक्वल टू एनआरटी को मॉडिफाई करके बच्चों एक और इक्वेशन बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं वाणरवाल इक्वेशन जो कि रियल गैसेस के लिए लागू होगा जो कुछ इस प्रकार से है हा बच्चो वाल गैस इक्वेशन में क्या परिवर्तन किया आइडियल गैस इक्वेशन में क्या परिवर्तन किया गया जिससे वांडरवाल गैस इक्वेशन बन गया पहली बात मैं आपको बता दूं आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैसेस के लिए लागू होता है जो कि मात्र एक एजेंप्शंस है एक्चुअली आइडियल गैस कोई भी आज तक पूरी तरह से पाया ही नहीं गया है जो जो एजम्पन्स उसमें हैं वो थोड़ा सा कुछ एजम्पन्स ऐसे हैं जो हो ही नहीं सकते जैसे ये माना गया है कि जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसमें जो पी है पी फॉर प्रेशर जो उसमें है बच्चों वो माना गया है कि गैसियस मालिक्यूल जब कंटेनर के वॉल्यूम से टकरा के बाउंस बैक होता है तो मोमेंटम में चेंज होता मोमेंटम में चेंज होने की वजह से फोर्स डेवलप होता है और फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोल दिया जाता है ठीक है चलो अच्छी बात है लेकिन एक चीज ये भी तो सोचिए गैसियस मालिक्यूल स्वतः में भी तो टकरा रहे हैं ये चीज वहां इग्नोर किया गया है तो इनफैक्ट प्रेशर केवल इतना लिया गया आइडियल केस में ये वाला प्रेशर इग्नोर किया गया है तो बच्चों दो बातें प्रेशर जो गैस में डेवलप हुआ वो बर्तन की कंटेनर के दीवार से कोलिजन की वजह से दो डेवलप हुआ ही जो कि आइडियल गैस के केस में माना गया है और जो स्वयं का स्वयं का आपस में उनका कोलिजन है उनकी वजह से भी तो प्रेशर डेवलप होना चाहिए तो इनफैक्ट प्रेशर में करेक्शन की जरूरत महसूस हुई तो यहां पर इसी तरह से प्रेशर में करेक्शन किया गया सेम थिंग इज रिटर्न ओवर हियर यू कैन सी इट केयरफुल्ली ड्यू टू कोलिजन of gaseous molecule between them slaves and uh, an additional pressure developed in the gas ठीक है बच्चों एक एडिशनल प्रेशर डेवलप होता है जो हम मान रहे थे उसके अलावा भी दिस इंक्रीमेंट इन प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन इसको बच्चों प्रेशर करेक्शन कहते हैं वन मोल आइडियल सॉरी वन मोल रियल गैस के लिए प्रेशर करेक्शन की वैल्यू इतनी होती है और बच्चों एन मोल के लिए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर के बराबर होता है जहां ये कोई कांस्टेंट है ठीक है बच्चों यहाँ के अंदर इसी तरह से वॉल्यूम करेक्शन दूसरा करेक्शन यहां लिया गया वॉल्यूम करेक्शन एक एजम्स आइडियल गैस में ये माना गया है कि जो गैस का जो गैस का वॉल्यूम है वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के कंपरिजन में गैस के मालिक्यूल का वॉल्यूम नेगलेजबल है और इसको, इसको कंसीडरेशन में नहीं लाया गया और पूरे कंटेनर का वॉल्यूम पी वी इक्वल टू एन आर टी में लिख दिया गया है लेकिन हकीकत ये है कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो गैस का मालिक्यूल सब मिला के भी घेरा होगा मान लीजिए पूरा वॉल्यूम यहाँ पाँच लीटर था और यहाँ पर गैस के मालिक्यूल मिलाकर मान लेते हैं मान लेते हैं दो आ, दो सी सी वॉल्यूम यहाँ पर घेरे हुए हैं तो इनफैक्ट थोड़ा तो परिवर्तन ही डाल रहा है ना वॉल्यूम इक्वल टू होगा पाँच लीटर यानी पाँच हजार सी सी माइनस टू सी सी यानी कि यहाँ पर आ, जो है हो जाएगा फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी एट सी सी इस तरह से यहाँ पर वास्तव में एक करेक्शन की जरूरत पड़ी जिसको वॉल्यूम करेक्शन कहा गया जिसको बच्चों वॉल्यूम करेक्शन कहा गया वही चीज मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है इनफैक्ट समी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज ऑक्यूपाइड बाई गैस मालिक्यूल स्लेब्स अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द मोशन ऑफ द गैस मालिक्यूल इज लेस देन दॉल्यूम ऑफ कंटेनर द रिडक्शन इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन और बच्चों वॉल्यूम करेक्शन की वैल्यू एक मोल रियल गैस के लिए बी के बराबर होगा बी कोई कांस्टेंट अपने दिमाग में भी समझिए आप और यहां पर यन मोल के लिए होगा एन इन बी के बराबर ठीक है इंक्लूडिंग प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन अगर इन दोनों करेक्शन को हम एक साथ कंसिडर करें आइडियल गैस इक्वेशन को मोडिफाई करें तो क्या होगा देखिए आइडियल गैस इक्वेशन का था पी इन टू वी इक्वल टू एन आर टी पी के जगह पर बच्चों प्रेशर जो होगा प्रेशर इक्वल टू होगा एक्चुअल प्रेशर प्लस प्रेशर में होने वाला करेक्शन वी जो होगा बच्चों वी फॉर वॉल्यूम में होने वाला करेक्शन वी माइनस एन बी यहाँ पर जो वॉल्यूम में करेक्शन हुआ था एन बी एन मोल के लिए उसको माइनस कर दिया और जो प्रेशर में कनेक्शन हुआ था एन मोल के लिए उसको प्लस कर दिया क्योंकि एडिशनल प्रेशर था और वॉल्यूम में मुझे घटाना था इक्वल टू एन आर टी तो इक्वेशन क्या बना एक मोल ये तो यन मोल के लिए इक्वेशन बन गया और एक मोल के लिए क्या होगा यन की जगह एक रख दीजिए पी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी एक मोल के लिए हो गया इसको बच्चों हम लोग कहते हैं वाल गैस इक्वेशन और वांडर वाल गैस इक्वेशन जो होता है ध्यान रखिएगा ये वांडर वाल गैस इक्वेशन रियल गैस के लिए लागू होता है ना कि आइडियल के लिए ठीक है बच्चों आइडियल के लिए तो पी वी एनआर टी पी वी इक्वल टू एनआरटी जिंदाबाद ठीक चलिए अगला हमारा टॉपिक है बच्चों स्पीड ऑफ मालिक्यूल्स मालिक्यूल्स की क्या क्या स्पीड होती है बच्चों जहां पे जहां पे एक एक सिस्टम के अंदर एक कंटेनर के अंदर असंख्य मालिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं जहाँ पर असंख्य मालिक्यूल भी रैंडम मोशन करते हैं वहाँ किसी एक मालिक्यूल की स्पीड के बारे में अंदाज़ा लगाना ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है लेकिन फिर भी हमारे साइंस ने कुछ इसमें से लगभग लगभग गणना करने का एक तरीका दिया है यहाँ पर बच्चों गैसियस मालिक्यूल के स्पीड के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे जो वैलिड वैल्यू होती है उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आर एम एस वैल्यू ऑफ स्पीड आर एम एस वैल्यू ऑफ स्पीड आर एम एस वैल्यू क्या होता है मान लेते हैं कंटेनर में कई सारे एन मालिक्यूल हैं मालिक्यूल है पहले मालिक्यूल की स्पीड वी वन है दूसरे मालिक्यूल की स्पीड वी टू है तीसरे की वी थ्री है चौथे की वी फोर है ऐसे तमाम है यनत की वी एन है तो क्या करेंगे सबसे पहले सबका स्क्वायर करेंगे फिर बाई एन बार जोड़ा है एन से डिवाइड कर देंगे मीन निकल गया स्क्वायर का मीन निकालने के बाद उसका रूट ले लेंगे इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिखने का कुछ तरीका ऐसे होगा और बच्चों पूरा थ्योरी को थ्योरेटिकली थियोरे, मैथमेटिकली डिराइव करने के बाद रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू कुछ इतने के बराबर मिलती है स्क्वायर रूट में थ्री टाइम्स ऑफ आर टी डिवाइडेड बाईम नॉट जो कि अगर पी वी इक्वल टू एन आर टी से थोड़ा सा डेंसिटी के रूप में ला के चेंज करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में थ्री टाइम्स ऑफ पी बाई डी हमने आपको ये चीज़ वहाँ बताया था जब आ, साउंड की वेलासिटी किसी गैस के अंदर हम लोग निकाल रहे थे गामा आर टी बाई एम नाट आ रहा था यहाँ गामा की जगह थ्री है थ्री आर टी बाई एम नाट हो गया और यहाँ पे बच्चों थ्री पी बाई डी वहाँ डी शायद लिखा था वही चीज़ है डी का मतलब यहाँ रो रो फार डेंसिटी ठीक है और यहाँ के अंदर यमनाट क्या है मालिक्यूलर मास है यानी कि एक मोल का मास है मालिक्यूलर मास का मतलब एक मोल का मास है और यहाँ पर रो यहाँ के अंदर डेंसिटी है ठीक है बच्चों अब ये तो सबसे मेन रहा वैसे गैसियस मालिक्यूल के बारे में यहां मैक्सवेल जी ने उनके वेलास्टी के बारे में स्पीड के बारे में मैक्सवेल जी ने कुछ वैल्यूज दिए हैं देखिए इसको ध्यान से मैक्सवेल जी ने ये कहा मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसियस वे, वेलास्टी या स्पीड के बारे में तीन तरह की वेलास्टी का कॉन्सेप्ट आता है एक आता आर एम एस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताता बताया दूसरा होता एवरेज वेलास्टी जिसकी की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट

थर्टी मालिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड है टेन की पावर फाइव मीटर पर सेकेंड और मान लीजिए ऐसे तमाम हैं ट्वेंटी मालिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड है टेन की पावर टेन की पावर थ्री मीटर पर सेकेंड और इसी तरह से तमाम है तो बच्चों उसमें सबसे ज़्यादा मालिक्यूल कितने हैं जिनके पास एक ही स्पीड है उसी को हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे ज़्यादा जिसकी संभावना हो ऐसी स्पीड की बात हो रही है ठीक है बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जैसे यहां पर मान लीजिए एक मालिक्यूल दो मालिक्यूल तीन मालिक्यूल चार मालिक्यूल पांच मालिक्यूल छह मालिक्यूल सात मालिक्यूल एंड दिस इज एटथ मालिक्यूल इसकी स्पीड मान लीजिए एक मीटर पर सेकेंड है इसकी दो मीटर पर सेकेंड है इसकी तीन मीटर पर सेकेंड है इसकी तीन मीटर पर सेकेंड है इसकी तीन मीटर पर सेकेंड है इसकी इसकी पाँच मीटर पर सेकेंड है इसकी जो है तीन मीटर पर सेकेंड है इसका बेटा यहाँ पर फाइव मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ देखो थ्री मीटर पर सेकेंड सबसे मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर मालिक्यूल के पास यही स्पीड देखा जा रहा है इसी को कहते मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ठीक है तो यहाँ के अंदर तीन तरह के स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है एक होता है आर एम एस स्पीड एक होता है एवरेज स्पीड एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ठीक है अब बच्चों यहां पर हमारे सामने जो है आर एम एस स्पीड के बारे में स्क्वायर रूट थ्री को बाहर करने पर कुछ इस तरह का बनेगा एवरेज की वैल्यू कुछ इस तरह की बनेगी और मोस्ट uh, प्रोबेबल की वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी अगर इनका रेशियो लेके देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर तो हर जगह देखिए सेम चीज़ है आर टी बाई एम बाकी चीज़ों का रेशियो लेके देखें आर एम एस अपन एवरेज uh, अपन मोस्ट uh, uh, प्रोबेबल uh, इनका रेशियो क्या है तो स्क्वायर रूट में थ्री एज टू स्क्वायर रूट में एट बाई पाई इस टू स्क्वायर रूट में टू और उनको बच्चों सॉल्व करने के बाद ये रेशियो मिलता है तो ऑब्वियसली यहाँ आर एम एस स्पीड सबसे ज़्यादा आएगा और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम आता है तो राम नाम तो याद ही रहेगा यहाँ पर आर फार आ, आर फार यहाँ आर एम एस है जो सबसे ज़्यादा होगा ये फार यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है ये फार यहाँ एवरेज स्पीड है जो कि उसके बाद रहेगा यम फार मोस्ट प्रोबेबल है जो कि उसके बाद रहेगा वेलास्टी विथ विच इट वेलास्टी विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलास्टी इसी को बच्चों हम मोस्ट प्रोबेबल वेलास्टी का नाम देते हैं ठीक है ठीक है बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक इसमें बचे हुए जो पार्ट हैं उसका लेक्चर मैं आगे भेजूंगा आपको तब तक इसकी स्टडी आप करते रहिए बेस्ट ऑफ लक खुश रहिए मुस्कुराते रहिए सेफ रहिए